नमस्कार दोस्तों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3 आनुवांशिकी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको वार्षिक परीक्षा 2020 के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। ये पाठ आपके 4 अंक का है, इसमें से 2 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के। एक प्रश्न होगा 2 अंक का, जिसमें 2 प्रश्न होंगे एक ही क्वेश्चन में एक एक नंबर के, और एक अलग से आएगा 2 नंबर का। तो आपके कौन कौन से प्रश्न इसमें से महत्वपूर्ण पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी प्रकार के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। इससे पहले मैंने अध्याय 1 और अध्याय 2 के वीडियो भी अपलोड किए थे, उसमें क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैंने दूसरा ऐप लिया है रिकॉर्ड करने का। तो आप बताइएगा मुझे इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है, और सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को ही क्यों चुना, और इसी में है इसी पहले के दूसरा उदाहरण व चित्र द्वारा मेंडल के प्रभाविता के नियमों को समझाइए। उदाहरण और चित्र के द्वारा मेंडल के प्रभाविता के नियम को आपको समझाना है। तो चलिए उत्तर भी आप लोगों को इसी में दिया हुआ है। मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, इसके निम्न कारण थे। पहला, मटर के पुष्प में स्वपरागण और परपरागण आसानी से कराया जा सकता था। मटर का जो पुष्प होता है उसमें स्वपरागण और परपरागण कराया जा सकता था। दूसरा कारण है, मटर का पौधा एक वर्षीय पादप होता था। मटर का जो पौधा होता है वो एक वर्षीय पादप होता है, इसलिए अपने जीवन चक्र में एक वर्ष में पूरा करता है, जिससे कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसके बाद अगला कारण था, मटर के पौधे में कई विपरीत यानी कि विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं। मटर का जो पौधा है उसमें कई विप्रियासी लक्षण, जैसे लंबापन, बोनापन, पुष्प का रंग, फली का रंग, है ना, उस प्रकार से बहुत सारे इसमें लक्षण पाए जाते हैं, तो इसका अध्ययन करना आसान था। इसके फूलों में विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण आसानी से कराया जा सकता है, ये भी एक कारण है। इसे विपुंसन विधि के द्वारा इसके जो पुष्प है उसमें पर परागण कराया जा सकता था। अगला है प्रभाविता का नियम, इसी का सेकंड क्वेश्चन जो है। यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। यदि एक, अब देखो नियम क्या है, यदि एक शुद्ध प्रभावी और एक शुद्ध अप्रभावी लक्षण के बीच संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। अप्रभावी लक्षण प्रभावी लक्षणों के प्रभाव में छुप जाते हैं। यानी कि अगर आप लोग देखो, जैसे बड़ा टी और बड़ा टी, उदाहरण के लिए हमने 2 शुद्ध लंबे पौधे लिए बड़ा टी तथा 2 शुद्ध बोने पौधे लिए छोटा टी और छोटा टी, से संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे यानी कि 100% जो पौधे प्राप्त हुए वो हमें लंबे प्राप्त हुए, लेकिन कैसे थे, प्रभावी थे, यानी कि अशुद्ध थे लेकिन प्रभावी थे। तो देखो आप यहाँ देख सकते हो चित्र के द्वारा, बड़ा टी हमने शुद्ध लंबा पौधा है, छोटा टी शुद्ध बोना पौधा है, और इनको हम कहते हैं जनक पीढ़ी। यहाँ से हमने युग्मक बनाए, 2 युग्मक बन गए बड़ा टी, यहाँ से भी 2 युग्मक बन गए छोटा टी और छोटा टी। अब इनका जब हमने क्रॉस कराया, देखो बड़े टी का क्रॉस छोटे टी से कराया, फिर बड़े टी का क्रॉस छोटे टी से कराया, तो आपके F1 पीढ़ी में जो सभी पौधे प्राप्त हुए वो लंबे लेकिन कैसे थे, प्रभावी, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहा गया। तो आप देख सकते हो, अच्छी तरह से आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। अगला है, दूसरा प्रश्न है, मेंडल का पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है। इस नियम को उदाहरण व चित्र से द्वारा समझाइए। आपको मेंडल का पृथक्करण का नियम समझाना है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो मेंडल के नियम में F1 पीढ़ी में देखा गया कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण साथ साथ प्रकट होते हैं। मेंडल की जो F1 पीढ़ी हमने प्राप्त की है ऊपर आपकी जस्ट इससे पहले वाले सवाल में, उसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन हमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते थे और अप्रभावी लक्षण छुपे रहते थे। यहाँ यह लगता है कि अप्रभावी लक्षण प्रभावी लक्षणों के प्रभाव में समाप्त हो गए, लेकिन F2 पीढ़ी के लिए युग्मक बनते समय अप्रभावी लक्षणों के युग्मक प्रभावी लक्षणों के युग्मों से पृथक होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व दिखाते हैं। यही पृथक्करण
या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहलाता है। मतलब F1 पीढ़ी में जो हमें पौधे मिले उनका संकरण उन्हीं से हमने कराया, तो अगली जो पीढ़ी हमें प्राप्त होती हैं, आप इस उदाहरण में देखोगे, यहाँ पर ये देखिएगा कि F1 पीढ़ी में जो हमें पौधे मिले थे उसका संकरण उन्हीं से कराया, तो हमें जो अगली पीढ़ी में F2 पीढ़ी में जो पौधे मिले वो सारे के सारे लक्षण अलग अलग हो गए, यानी कि जो इनके पूर्वज थे उनके भी लक्षण यहाँ पर आ गए हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो और ये उदाहरण के तौर पर भी आपको इसमें लिया है कि यदि एक शुद्ध लंबे और शुद्ध मोने पौधे में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। यह दोनों युग्मक साथ साथ होते हुए भी एक दूसरे को संदूषित नहीं करते, वो F2 पीढ़ी के लिए युग्मक निर्माण के समय दोनों पृथक पृथक होकर यानी कि अलग होकर अपना अपना प्रभावी अगली पीढ़ी में दिखाते हैं, अपना अपना प्रभाव अगली पीढ़ी में दिखाते हैं, जिसे फलस्वरूप F2 पीढ़ी में 25% पौधे बोने प्राप्त होते हैं। तो ये था, आप इसको अच्छे समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मेंडलवाद क्या है? स्वतंत्र अपियोन का नियम लिखिए। स्वतंत्र अपियोन का मेंडल के अनुवांशिकी का तीसरा नियम है, ये लिखना है। दूसरा, इसी में पूछा गया, द्विसंकर संकरण को शतरंज पट विधि के रेखीय आरेख द्वारा समझाइए। तो पहले मेंडलवाद, 1885 में ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवांशिकता के सिद्धांतों को मेंडलवाद कहते हैं। यानी कि मेंडल ने जो नियम दिए थे, मेंडल की आनुवांशिकता के नियमों को ही मेंडलवाद कहा जाता है। यह सिद्धांत जीन के रूप में विभिन्न लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण के विषय में है। अब आगे देखिए, स्वतंत्र अपियोन का नियम, यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो यदि दो या दो से अधिक विप्रयासी लक्षणों के से युग पौधों का संकरण कराया जाता है तो प्रत्येक जोड़े के लक्षण प्रारूप स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। एक लक्षण का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात प्रत्येक लक्षण के दोनों युग में विकल्प पृथक होते हैं, साथ ही एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। इसे स्वतंत्र अपियोन का नियम कहते हैं। यदि मटर के शुद्ध गोल व पीले बीज वाले पौधों का संकरण झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधों से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में गोल व पीले बीज वाले प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी को स्व परागित करने वाले से उत्पन्न F2 पीढ़ी में चार प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, जिनका लक्षण प्रारूप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त होता है, और जीन अनुपात भी आप लोग निकाल लीजिएगा। या आपको इसका हमने क्या किया, विप्रयासी लक्षण वाले पौधे लिए, एक तो पीला गोलाकार, एक हरे झुर्रीदार, इनका संकरण कराया तो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, और F1 पीढ़ी के युग्मकों से जब हमने संकरण कराया तो ये आपको जो संकरण का शतरंज पट्ट विधि का आरेख आप इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो, आप देख सकते हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद करिएगा। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके इस पार्ट में से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी मैं आगे भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप इन क्वेश्चनों को तैयार करके अच्छे नंबर ला सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।